बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारे वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल गोश्त। तो स्टार्ट करते हैं। चने की दाल गोश्त के अज़ा देख लीजिए, हमें चाहिए चने की दाल। ये है मेरे पास 350 ग्राम और इनको मैंने भिगो दिया था पानी में कम से कम 2 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसको छान लेना है। और इसके साथ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चिकन का गोश्त और ये मेरे पास है 750 ग्राम। इसके साथ मेरे पास प्याज है 2 अदद। इसमें हम डालेंगे है धनिया पुदीना थोड़ा सा। इसके अलावा मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। 2 मेरे पास टमाटर हैं और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए। इसके साथ दही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास दही है 1/2 कप से ज़्यादा दही हम इसमें डाल रहे हैं। हरी मिर्चें हैं, मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा ये है गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे। बाकी जो इसके स्पाइसेस हैं, ये है मेरे पास धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। 1/4 चम्मच मेरे पास है हल्दी पाउडर और ये है 1 टीस्पून। ये आप अपने स्पाइस के मुताबिक इसमें ऐड कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको मिर्चें अगर कम करनी तो कम कर सकते हैं। ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं, ये मैं यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून। नमक हंसवे जाएगा। इसके अलावा साबुत गर्म मसाले मेरे पास ये है मेरे पास तेज़पत्ते छोटे से 3-4 आपने तेज़पत्ते ले लेने हैं, छोटे हैं ये, अगर बड़े हैं तो आप 1 से 2 ले लीजिए। इसके अलावा मेरे पास छोटी इलायची है 5 अदद, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग है 5 से 6 लौंग है मेरे पास। इसके अलावा 10 से 12 आप ले लीजिए, ये है काली मिर्च के दाने। सबसे पहले ऑयल में प्याज डालेंगे तो हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाई थी साबुत गरम मसाले। अगर ये हम शुरू में ऐड कर देंगे तो उसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। तो इसके साथ आप फ्राई कर लें और प्याज को अपने लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए हमारी प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। अदरक लहसुन का पेस्ट कर लें आप इसको। ये देखिए मैंने इसको भून लिया अदरक लहसुन डालने के बाद। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद आप टमाटरों को सॉफ्ट कर लें। देखिए मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइस। मैं ऐड जा रहे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें। ये मैं ऐड करके इसको मिक्स कर लूंगी। 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसको भून लूंगी। ये देखिए मैंने इसको उसे भून लिया है। अब मैं इसमें चने की दाल ऐड करूंगी। चने की दाल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से दोबारा भूनेंगे दाल डालने के बाद। जब ये भून जाएगी तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे गलने के लिए। इसको हम भून लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और इसके साथ इसमें जाएगा दही। दही को डालने के बाद भी आप उसको थोड़ा सा भून लें।
कर रही हूँ। पानी डालते वक्त आप ख्याल रखें कि आपकी ग्रेवी स्टिक कितनी रखनी है और आपकी दाल कितनी घर तक गल चुकी है। मैं इसको कुक कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। इसको डाल के भी आप थोड़ी सी देर कुक कर लें ताकि हरी मिर्चें और गरम मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए और हरी मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया और पुदीना। इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे कि इसका जो खुशबू है अच्छा सा टेस्ट वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए रेडी है, अब हम उसको सर्व कर लेंगे। ये देख लीजिए हमारी आज की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है, चने की दाल गोश्त। इसको मैंने चिकन में बनाया है चने की दाल को, और ये देखिए तैयार है। इसको आप सर्व कीजिएगा नान के साथ, चपाती के साथ, और जो सिंपल बेसिक राइस बनते हैं बॉयल राइस सिंपल जो होते हैं आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।